हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बिहार दरोगा की बहुत ही बड़ी वैकेंसी बिहार में आई हुई है। लगभग 2400 प्लस वैकेंसी है ये, तो इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम आती है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए बिहार दरोगा में क्वालिफाई करने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज से जो है वो बिहार दरोगा का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बिहार दरोगा का क्लास जो है स्पेशल स्टार्ट करने से पहले मैं बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, क्योंकि इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का, किस टाइप का प्रश्न जो है वो बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो ये 23/4/2008 को ये एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें टोटल, चूंकि बिहार दरोगा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें अभी 50 प्रश्न ही मैंने सेलेक्ट किया है। इसका दूसरा भाग भी आएगा और आज रात तक आपको दूसरा भाग भी मिल जाएगा इसका। तो आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन में कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको PDF मिल जाता है सभी वीडियो का। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति और किन की नियुक्ति करते हैं ये आप याद रखेंगे, BPSC में भी प्रश्न पूछा गया था इस टाइप का, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, महान्यायवादी क्या है ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। महान्यायवादी किसको बोला जाता है? देखिए, हमारा जो भी प्रश्न होता है उसमें मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ ताकि उससे संबंधित कुछ भी तथ्य हो तो वो क्लियर हो जाए और किसी भी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सके। तो यही हमारे वीडियो की खास बातें होती हैं, एक्सप्लेन मैं करते चलता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो देखिए, महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी सर्वप्रथम जो है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, याद रखेंगे, विधि अधिकारी होता है ये। और भारत का महान्यायवादी जो होता है वो न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। एक चीज और याद रखेंगे, आर्टिकल 68 अनुच्छेद, सॉरी 68 नहीं 88 सॉरी हाँ 88 अनुच्छेद 88 के अंतर्गत वह न किसी भी सदस्य में या समिति में बोल सकता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार भी नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? फिर से राष्ट्रपति से ही प्रश्न पूछ लिया गया। और भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, ओके, सबको पता है। तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। अब कब देता है, क्यों देता है ये त्यागपत्र, आखिर राष्ट्रपति क्यों देगा? तो देखिए, राष्ट्रपति को जो है वो महाभियोग से भी हटाया जा सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 56 और 61 के अकॉर्डिंग जो है वो महाभियोग चला करके इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद जो है वो महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है जो 61 में, ओके,
वन में उल्लेखित है, और यह जो है संविधान का अतिक्रमण होता है। अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ है भारत में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2008 का, जब उस समय एग्जाम हुआ था, ये अभी काम नहीं आएगा। तो देखिए उस समय का सही जो है आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल थी। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2008 का करंट अफेयर है। तो देखिए इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर भी अगर पूछा जाता है बिहार दरोगा में तो किस लेवल का जो है वो करंट अफेयर पूछा जाता है। यहाँ देखिए नियुक्ति से प्रश्न पूछा गया है कि 23वें सेना प्रमुख कौन है। ओके तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दीपक कपूर। ओके तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये पूछा गया था। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल कृष्ण। ओके तो ये सब जो है वो अभी आपको काम नहीं आने वाला है, बस एक आइडिया आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है राज्य का, स्टेट का, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, विधानसभा के। ओके विधानसभा के, देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पहले भी उसको विघटित कर सकता है। और विधानसभा का जो सत्रावासन होता है उसके आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये भी बिहार करंट अफेयर से है, उस समय का जो बिहार करंट अफेयर था उससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। और देखिए जो भी मेरा करंट अफेयर आता है उसमें जो सड़क का निर्माण होता है या किसी भी पुल का निर्माण होता है उसमें किस बैंक से कर्ज लिया गया है या उसमें कितना खर्च किया गया है, ये पूरा मैं बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूँ। बहुत स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ये पुल से या सड़क से क्यों आप बताते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए बताया जाता है। ओके तो देखिए इसका सही जो आंसर है 7 का, 1 मिनट, हाँ इसका सही जो आंसर था उस समय का वो था ऑप्शन बी, तात्या कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार जीके से ये प्रश्न है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है वो नंबर 1 पे है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जो है वो सबसे ऊपर है। ओके तो ये आपको याद रखनी है। अब देखिए भारत जो है वो विश्व में 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है, और बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जो मेन मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहले तो है कटिहार, इसके बाद पूर्णिया है, पूर्णिया ऐसे लिखा था है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके बाद पूर्णिया है, सहरसा है, सहरसा में भी होता है, ओके और दरभंगा में भी होता है। तो ये सब आपको याद रखनी है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ये कुंवर सिंह से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो दारोगा का एग्जाम हो या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस समय भी पूछा गया था कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से अपना नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आरा। ओके आरा से, और भी था जैसे दिल्ली से भी पूछा जाता है कि दिल्ली से 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे बहादुर शाह जफर। ओके बहादुर शाह जफर थे। और कानपुर से भी पूछा जाता है कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे नाना साहब, नाना साहब। और लखनऊ से अगर पूछा जाए कि लखनऊ से कौन थे, जो मेन मेन जगह है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बेगम हजरत महल। ओके बेगम हजरत महल, इसके बाद भी पूछा जाता है फतेहपुर से, फतेहपुर से अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। इसके बाद अगर झांसी से पूछा जाए कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने।
ओके, लक्ष्मी बाई। तो ये सब आपको याद रखनी है। इसके बाद है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो ये सब जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ओके, तो देखिए इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी, डी वाई पाटिल थे। ओके, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लगभग कितने एरिया में, कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य किया जाता है बिहार में। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, बिहार में लगभग 60% एरिया पे, क्षेत्र पे कृषि का कार्य किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिहार में, बिहार जो है वो न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है, बल्कि कृषि ही यहाँ के अधिकांश जनमास की जो है वो अगर बोले तो जीवन शैली है। और सॉरी, देखिए राज्य की जनसंख्या का, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। ओके, तो देखिए राज्य की जनसंख्या का 90%, 90% भाग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और इसमें 80% से अधिक जनसंख्या जो है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। तो ये देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, 80% लोग जो है वो कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। तो 60% जो टोटल एरिया है, टोटल जो एरिया है बिहार का, उसका 60% भाग पर कृषि किया जाता है, और 80% जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई है। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज जो है वो बिहार के विभाजन के बाद झारखंड में और ओडिशा में चले गए हैं, तो इस कारण से यहाँ पे थोड़ा गरीबी है और मैक्सिमम लोग जो है वो कृषि पे डिपेंड हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब थोड़ा सा आपको बता दूँ, आर्टिकल 76(1), ओके, संविधान के अनुच्छेद 76(1) में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है, और इसकी नियुक्ति की भी अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और इसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है, और संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी महान्यायवादी की जो है वो संसद की बैठक में भाग ले सकता है। ये भी आपको याद रखनी है। और इसका जो वेतन होता है वो होता है 90,000 रुपये। ओके, ये आपको याद रखनी है। सॉरी, खांसी भी हो गई है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है। देखिए ये तो अब ओल्ड डेटा हो गया, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय पूछा गया था, अभी जो है वो 2011 से पूछा जाएगा। तो खैर थोड़ा सा इसके बाद इसका जो आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस समय का आंसर जो होगा वो होगा। इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा और 47% मत कीजिएगा। 2011 का भी मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए बिहार में साक्षरता जो है वो 61.8% है अभी, ये काम आएगा, ये आप याद रखेंगे, 61.8% है वर्तमान में। ओके, और 2011 के जनगणना के अनुसार, और बिहार में पुरुष साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो ये आप याद रखेंगे, रखिएगा, मेल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% है। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। और महिला साक्षरता जो है, अगर फीमेल की बात करें तो महिला साक्षरता ये 51.5% है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरला। ओके, यहाँ पे 94% है, 94% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम साक्षरता वाला ये हमारा बिहार है। ओके, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं, ये हॉकी से संबंधित रहे हैं। ओके, चलिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरीद।
फरीद खां इसका नाम था बचपन का, और सूर साम्राज्य का संस्थापक था ये शेर शाह सूरी। इसको सूर संस्थापक या ये जो है वो अफगान वंश ये था शेर शाह, या इसको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जन्म जो है वो 1472 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे 1472 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है शेर शाह के जो पिता थे हसन खां, ये जौनपुर राज्य के सासाराम के ये जमींदार थे। ओके, जमींदार थे। देखिए इसको शेर शाह की उपाधि क्यों दिया गया था या शेर खां क्यों कहा गया था। इसने जो है वो एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था, इसलिए इसको शेर शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, काफी महत्वपूर्ण और इजी क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी, इसकी प्रथम बैठक जो है वो बम्बई में बुलाई गई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में पहली बैठक हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ओके, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। व्यापकत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, व्यापकत का सिद्धांत। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था उसको व्यापकत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और इस नीति के तहत जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया जा रहा था, यही था व्यापकत का सिद्धांत। और इस नीति के तहत जो है सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, सतारा को 1848 में अपने में मिलाया गया था, विलय किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ने इसको फिर बाद में समाप्त किया था। ओके, इसके बाद है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था। 18, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग आंसर भी बताते जाइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड ऐसे लिखाता है, थोड़ा सा फॉन्ट जो है इसमें ऐसे हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखेंगे, ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी आपको याद रखनी है। और इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 का जो क्रांति या विद्रोह हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखनी है। और 1833 ये भी आप याद रखेंगे, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन गया है। और इस प्रकार जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। और एक है यहाँ पे डलहौजी से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए डलहौजी का शासन जो है वो व्यापकत सिद्धांत के कारण जो है वो सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ओके, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल से। ओके, टाई ब्रेकर शब्द जो है वो फुटबॉल टेनिस और हॉकी इन सब में, हाँ देखिए इसका सही आंसर अगर हॉकी और टेनिस सब में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑल होगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। ओके, देखिए बिहार के नालंदा जिले में ये बना हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना जो है वो 414
से 455, 414 से 55 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे बेस्ट जो है वो विख्यात सेंटर रहा था, केंद्र रहा था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीर कासिम। मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों ये जो है कठपुतली जो था ये मीर जाफर, इसको अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में से इसको हटा करके इसका जो दामाद था मीर कासिम, इसको जो है वो बंगाल का नवाब बनाया था। और मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया था। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो राजधानी किसने बनाया था ये बताइए। तो ये आपको याद रखनी है, मीर कासिम ने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीबी जैला। यहाँ पे बीबी जैला इसका सही आंसर होगा। इनके पिता जो है, इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, गुरु तेग बहादुर। ओके, और ये जो है वो नौवें सिख गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु बने थे। और इनका जन्म जो है वो 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666 इतना आपको याद रखना है। और इनका जन्म पटना में हुआ था ये भी आपको याद रखनी है। और इन्होंने सिखों के लिए जो है वो पांच ककार जो है वो अनिवार्य किया था, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिया, ओके। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था और इनका जन्म जो है वो 1921 ईस्वी में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और ये जो है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे फणीश्वरनाथ रेणु। और इनका जो पहला उपन्यास था मैलांचल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और इसी के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये कामायनी पुस्तक के रचयिता थे और हिंदी भाषा के महाकाव्य थे ये, काव्य है ये। और ये जो है जयशंकर प्रसाद, ये अंतिम काव्य की रचना इन्होंने की थी जिसका इसका प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? देखिए अर्थशास्त्र से एक तो ये पूछा जाता है कि किसने लिखा, दूसरा ये पूछा जाता है कि ये किस पे आधारित है। तो ये जो है वो राजनीतिक पे आधारित पुस्तक है। ओके, याद रखेंगे। पूरा मौर्य साम्राज्य का वर्णन इसमें किया गया है, अर्थशास्त्र में किया गया है, कौटिल्य ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कौटिल्य। ओके, कौटिल्य ने इसकी रचना की है। और घनानंद को हराने के बाद कौटिल्य जो है इन्होंने, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और ये प्रधानमंत्री भी बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, ये सब बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था 2008 में बिहार दारोगा में। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। अब देखिए यहाँ पे नारा पूछा जा रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा। ओके, आप लोग कमेंट में बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद जो है वो किसने लिखा था और इसको नारा के रूप में भगत सिंह ने दिया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में।
बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, याद रखेंगे। 1764 ईस्वी में अंग्रेज मीर कासिम और अवध के नवाब से थे शुजाउद्दौला, इनके बीच में हुआ था। ओके, तो ये जो है आपको याद रखनी है, इनके इनके बीच में ये हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, और इसका जो नेतृत्व करता था वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, उस समय पूछा गया था। अभी जो है वो करंट में आप लोग बताइए कि कितने प्रमंडल हैं, ये इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला आपको। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह पूछा जा रहा है, तो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2011 वाला मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो है, आपको याद रखनी है ऐसे, 10 40 99 4 5 2, आपको इतना याद रखना है, इतनी है टोटल जनसंख्या। ओके, और लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार वो है 918, बिहार की लिंगानुपात सेक्स रेशियो। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक नृत्य। ओके, लोक नृत्य। देखिए सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, और इनका जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में 1920 में इनका जन्म हुआ था। ओके, और यहाँ पे दो और पूछा जाता है, सिया देवी, सिया देवी और कौशल्या देवी, कौशल्या देवी, ये जो है वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 9 फरवरी, 9 फरवरी 1916 को हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और उस समय जो है इसके कार्यक्षेत्र में बिहार और उड़ीसा दोनों क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके बाद 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, देखिए यहाँ पे ऐसे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस ये जो फॉन्ट है इसमें ये जो धर्म ऐसे लिखा था इसको इस टाइप से कर देता है, तो ये फॉन्ट की गलती है, ठीक है, खैर आप समझ जरूर जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है पावापुरी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ओके, और देखिए थोड़ा सा आपको इनके बारे में और बता दूं, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को यहाँ पे जो है और निर्वाण प्राप्ति हुआ था, निर्वाण का मतलब कि मृत्यु, और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका जन्म जो है वो 540 में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। ओके, कुंड ग्राम में हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है, तो यह है नेपाल में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नेपाल। ओके, देखिए ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और इनको जो है वो एशिया का लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है, और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ये भी कई बार पूछा गया है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ऋषि पत्नम भी इसको कहा जाता है, और इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। झारखंड देश का कौन सा राज्य है, उस समय पूछा गया था झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो ये था 28वां। ओके, ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था बिहार से, और एक नया स्टेट बना था झारखंड, इसकी राजधानी रांची थी। तेलंगाना जो है वो देश का 29वां राज्य बना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या ये है 40, टोटल 38 जिले हैं बिहार में, और 40 लोकसभा सीटें हैं
बिहार में, ये आपको याद रखनी है। राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर बात करें, राज्यसभा तो राज्यसभा की सीटें जो है वो 16 है, और विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा तो ये 243 है, और विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद इसकी बात करें तो 75 है, 75 है, तो ये सब आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, और 14 नवंबर को जो है वो बाल दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये सब भी आपको याद रखनी है। यानी कि दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दारोगा में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक। हर्यक ऐसे लिखा था है। ओके, ये हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। हर्यक वंश का ये संस्थापक था, और मगध की गद्दी पर ये 544 ईसा पूर्व में ये बैठा था। ओके, 544 ईसा पूर्व में, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसने जो है वो राजगीर का निर्माण करके उसे जो है वो अपनी राजधानी बनवाया, और इसने 52 ईयर्स 52 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। ओके, और इसी ने जो है बिंबिसार ने ही जीवक को, राजवैद्य जीवक, इनको महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चंपारण से। 1917 में इन्होंने ये आंदोलन जो है सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से। ओके, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? ये उस समय का करंट अफेयर है। ओके, तो बता ही देता हूँ, इसका सही जो आंसर है, इसका जो है आंसर तो अभी याद नहीं आ रहा। खैर, ये सब अब पूछा भी नहीं जाएगा, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश उस समय पूछा गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है। हेडक्वार्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ये जो है इस संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी आपको याद रखनी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश की संख्या जो है वो है 51, ये भी आपको याद रखनी है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, इनको औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद किया था। ओके, और ये अपने भवन में लेकर चला गया था कैद करके, तो ये भी आपको याद रखनी है। इनका जन्म, शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है 1924 में, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1924 में महात्मा गांधी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में, ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस अधिवेशन में, तो 40वें अधिवेशन में, ये 1924 में बेलगाम में। ओके, बेलगाम में इन्होंने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 1919 में, 1919 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है, जल्दी से आप लोग बताइए,
बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और इस के भारत विरोधी कार्य में सबसे ज़्यादा जो है वो योगदान इसी का रहा था, कर्जन का ही रहा था। और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो था, हार्डिंग सेकेंड, इसने जो है वो 1911 में, ओके 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की इसने घोषणा की थी, और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो है वो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 इसके द्वारा किया गया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो यहाँ पे इसका कोई नहीं होगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? 45। देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन, ओके। और लोकसभा की दो बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यह भी आपको याद रखनी होगी। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, ओके, लोकसभा अध्यक्ष। एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए, मतलब कि ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर, ओके, 21 वर्ष या इससे ऊपर। और लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष होना चाहिए एज मिनिमम आपके पास। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ओके। तो ये सब आपको याद रखनी है, और मतदान करने के लिए 18 वर्ष, ये सब एज आपको याद रखनी है, और विधान परिषद के सदस्यता के लिए 30 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है पटियाला में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पटियाला। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा, तो यह है निशानेबाजी से, ऑप्शन बी। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, परमार, ओके। राजा भोज परमार वंश से संबंधित हैं, और राजा भोज जो है वो कविराज की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था, ये कविराज भी इनको कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखनी है। और भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा ही किया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, ओके। सॉरी, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब, ओके, ऑप्शन बी। देखिए दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के किले में स्थित जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था इसमें। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और शाहजहां के द्वारा जो प्रमुख इमारतें बनवाई गई थी उसमें दिल्ली का लाल किला और दीवाने आम, ये दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब इसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये था 50 प्रश्न। इसके बाद जो है वो 50 प्रश्न, इसका पार्ट टू आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, ये पार्ट वन था। तो आप लोग स्कोर बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।